हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह अर्ली मॉर्निंग का समय है, बच्चे सो रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां हो गई है ना, तो विंटर वेकेशंस की, इसीलिए एकदम बस मज़े ले रहे हैं आज तो सोने के। आज स्कूल जाना नहीं है दोनों को, तो बस दोनों मज़े ले रहे हैं सोने के। और मैं यहाँ पर लग गई हूँ अर्ली मॉर्निंग डस्टिंग और क्लीनिंग में, क्योंकि पारिक जी भी गए हुए हैं वॉशरूम, और वो वॉशरूम में है, तब तक मैं जल्दी से जो मेरे थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह का काम है वो कर लेती मैंने हूँ। सब्ज़ी जो है ना वो ऑलरेडी बैठा दी है रसोई में, आलू और पालक मटर की सब्ज़ी मैं पहले से छोंक करके, उसके बाद मेरे पास ये समय था तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है मैं थोड़ा सा डस्टिंग और क्लीनिंग का काम भी कर लूँ। तो बस डस्टिंग के बाद वापस मैं आ गई हूँ रसोई में, और सब्ज़ी जो है ना वो पक चुकी है। अब इसमें बस मसाले डालने हैं। पहले मैंने मसाले नहीं डाले थे क्योंकि पालक है ना, जब हम छोंकते हैं उस टाइम पे बहुत पूरी कढ़ाई भर के रख रहती है, और उसके बाद वो थोड़ी सी जब कम पड़ जाती ना तब हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता नमक का कि कितना हमने नमक डाला या नहीं डाला। इसीलिए मैं लास्ट में हमेशा पालक की सब्ज़ी में स्पेशली, या फिर जो भी साग सब्जी होती ना, हरी सब्जियाँ होती है पत्ती वाली, उसमें मैं लास्ट में नमक डालती हूँ ताकि अंदाजा हो जाए कि भी नमक कितना डालना है कितना नहीं। तो यहां पर मैंने टमाटर डाल दिया है और दो हरी मिर्च मैं इसमें डालूंगी, और बस अब इसमें मसाले डाल दूंगी। तो मसाले मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, इसमें सिर्फ नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और करीब आधा चम्मच धनिया का पाउडर, बस इतने ही मसाले डाल रही हूँ। और बहुत सिंपल सी सब्जी मैंने बनाई है, बस अब इसे ढककर रख देंगे और 2 मिनट के लो फ्लेम पे और पका लेंगे। और बस दूसरी तरफ मैं बना ले रही हूँ गर्मा गर्म रोटी, और जिसे कि ठंडा करके और मैं टिफ़िन में पैक करूँगी। और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ बेसन का चिल्ला। तो बेसन का जो चिल्ला मैं बनाती हूँ ना, वो बेसन में ही मैंने प्याज लहसुन धनिया पत्ती सब कुछ जो भी डालना था ना वो बेसन में ही डाल दिया है, और डायरेक्टली मैं बना रही हूँ। क्योंकि सुबह पहले ना जैसे डोसा स्टाइल जो होता है ना चिल्ला, वो मैं नहीं बना सकती हूँ, बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे लिए वो बनाना। क्योंकि ऐसे तुम्हें अगर अच्छे से टाइम हो ना तो मैं डोसा की तरह बना करके और इसमें फिलिंग डालती हूँ, वो भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे बनाती हूँ। तो बस ये डोसा बन गया है, इसे मैं सर्व करूंगी टोमेटो केचप और हरी चटनी के साथ। तो ये पारिक जी का नाश्ता है तैयार। सही बना आज कुछ नहीं, आज सिर्फ सब्जी रोटी है, सब्जी रोटी खाना आज मैं शनिवार है, जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, इसे तो कुछ नहीं दिया। ये हो गया, और ये मेरा वायलेट डोंट वायलेट पिसा है कि कोनी है। अब बेटे तू चला जा नीचे, और ये वापस आ गया, आई एम बैक। सीरियसली यार, इतने मुश्किल से तो पीछा छूटा था, फिर से वापस मास्क वाला, तो मास्क का मीम्स भेज रहे, बोले आई एम बैक। अब ऑफिस में आज से मास्क पहनना पड़ेगा। आप तो कल ही बोल रहे थे, कल से शुरू हो गया था। कल तो सर्कुलर डाला हूँ। अच्छा, आज पकड़ूंगा। अब भाई मास्क कहाँ तेरा? कंडक्टर वाला ड्यूटी है, टिकट टिकट टिकट। हाँ, अब भाई मास्क क्यों डाला है? ऑफिस से निकल भाग दूंगा, चल मास दे इसको। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छी और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और बस जल्दी जल्दी ना मैंने मॉर्निंग का काम निपटा लिया है, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा यहाँ पर लोकल मार्केट है वहाँ, और सूरज को मैंने अपने साथ जाने के लिए पटाया है। एक्चुअली अकेले जाना ना अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग सा लगता है ना, तो इसीलिए मैंने सूरज को कहा कि बेटा चल मेरे साथ। बड़ी मुश्किलों से वो पट तो गया है, बट हाँ यही है कि
थोड़ा सा उसको बटरिंग करना पड़ा और क्या। तो बस उसको लेके मैं जा रही हूँ और यहीं पास में ही जाना है, कुछ छोटा मोटा घर का सामान है वो लेके आना है। और बस मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा अपने बाल बाल बना लूँ और उसके बाद बस फटाफट से निकलती हूँ। तो सूरज चला रहा है स्कूटी और मैं बैठी हूँ पीछे। और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है ना जब आपका बच्चा जो है इतना बड़ा हो जाए कि वो आपको लेकर कहीं जा रहा हो, बहुत मैंने एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। किसी टाइम पे ऐसा था कि मैं सूरज को पीछे बिठा कर स्कूल मैंने ड्रॉप करने जाती थी और अब मेरे बेटे मुझे पीछे बिठा कर स्कूटी चलाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं। और बहुत सारे और भी चेंजेस आ गए हैं बच्चों के आने बड़े होने के बाद में ना, मुझे काफ़ी सपोर्ट भी मिल गया है। मार्केट का काम छोटा मोटा तो ये दोनों ही निपटा लेते हैं। काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है आज, तो स्वेटर पहनने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि धूप बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। और आज ठंड भी थोड़ी सी कम है, सुबह पहले थोड़ी थी पर अब तो बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने बिल्कुल स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ है और एकदम कॉटन की एक कुर्ती है वो डाली हुई है। तो बहुत ही आज तो कम है ठंड। और बस आके मैंने खाना वाना खा लिया है, बच्चों को भी खाना दे दिया है। आते ही बस फटाफट से मैंने रोटी सेकी क्योंकि सब्जी मैंने सुबह बना ही ली थी, दही था और बस रोटी बनानी थी तो फटाफट से रोटी बनाई हूँ और बस बच्चों को खिला दिया, मैं खा ली। और मुझे लगा कि बस आपसे थोड़ी सी बातें कर लूं। और एक प्रोडक्ट मेरे पास आया हुआ है उसकी भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूं जल्दी से। आई हैव रिसीव दिस पैकेट फ्रॉम नाइका और चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अर्बन बोटैनिक्स का फेस सीरम और अर्बन बोटैनिक्स जो है वो हमेशा से ही मेरा फेवरेट प्रोडक्ट रहा है। अर्बन बोटैनिक्स का मैंने आपके साथ शेयर भी किया था फेशियल ऑयल कुमकुम आदि तेलम जो कि मैं हमेशा यूज करती हूँ और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वो भी। और ये अर्बन बोटैनिक्स का है फेस सीरम, तो इसको भी मैं यूज करूंगी और इसका ट्रू फीडबैक मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो पहले इसको खोल के देख लेते हैं। बहुत अच्छी तरह स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ ना अर्बन बोटैनिक्स का प्रोडक्ट जो है वो सारे बहुत ही अच्छे होते हैं, मैंने यूज़ किए हुए हैं एंड इसको भी मैं यूज़ करूँगी आपके साथ फीडबैक जरूर से एकदम ट्रू वाला सही वाला फीडबैक शेयर करूँगी कि वाकई में ये अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और अगर वीडियो अच्छी लगे ना प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि कौन वीडियो देख रहा है कौन नहीं देख रहा है और अगर कुछ बुरा लगे ना तो वो भी बता दीजिए कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ प्लीज़ बताइए कि भाई ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि मेरे ब्लॉग्स जो है ना वो और अच्छे हो और एंटरटेनिंग हो। और क्या बोलूँ आपको, मैंने किस टाइप के टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, मेरे क्लीनिंग वाले ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि फैमिली ब्लॉगिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, किस टाइप की कौन से टॉपिक पे मैं ब्लॉग बनाऊँ, मुझे ये भी ज़रूर सजेस्ट करिए, कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ मैं गलत हूँ कहाँ मैं सही हूँ। तो बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, दिल से थैंक यू।
और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।